हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो याद रखिए, इसमें हम लोग आपका भारत का इतिहास पूरा देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं सभी लेक्चर, ठीक है। तो आपका पूरा भारत का इतिहास खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी आपके वन डे एग्जाम की तरह जो भी पेपर होते हैं आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, विश्व का इतिहास देखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके विश्व के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। उसके बाद हम लोग पुनर्जागरण देखेंगे, फिर धर्म सुधार आंदोलन देखेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति देखेंगे, पूंजीवाद का विकास देखेंगे, अमेरिकी क्रांति देख लेंगे हम लोग, रूस की क्रांति देखेंगे, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध भी देखेंगे, विश्व इतिहास के प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उन्हें देख लेंगे, और विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य उन्हें भी देखेंगे, और विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका से आरंभ हुई थी। कहाँ से? याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से। वर्तमान मानव आदि के आदि पुरुष ने लगभग 20,000 शताब्दी वर्ष पूर्व भोजन की खोज में अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके उपरांत लगभग 400,000 वर्ष पूर्व मानव का पूर्वज अफ्रीका से बाहर प्रवजन करने लगा, क्योंकि उसने आग का प्रयोग सीख लिया और अपनी बातों को एक दूसरे तक बोलकर पहुंचाने लगा। नियंडरथल मानव ने इस उद्विकास की प्रक्रिया का अनुमान किया और लगभग 40 वर्ष पूर्व मानव शारीरिक रूप से पूर्ण आधुनिक हो गया। आरंभिक पश्चिमी सभ्यता का उद्भव लगभग आपका 3200 ईसा पूर्व में मैसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ? मैसोपोटामिया में। लगभग 600 ईसा पूर्व तक सभी महत्वपूर्ण सभ्यताएं अपना अस्तित्व ग्रहण कर चुकी थीं। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। वह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं लिखा, प्राक इतिहास कहलाता है। क्या कहते हैं? वह लंबा सुदूर अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं लिखा, उस काल को हम लोग प्राक इतिहास कहते हैं। इस समावधि को हम बहुधा प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। एक अन्य काल आग इतिहास, जिसका एक निश्चित अर्थ नहीं है, परंतु मोटे तौर पर इसका अभिप्राय उस युग से है जो इतिहास अथवा साक्षर अभिलेखों से पूर्व का है। भारत की हड़प्पा संस्कृति इसी युग की पहचान है, क्योंकि इसके इतिहास लिखते हुए भी पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग पाषाण काल के बारे में। किसके? पाषाण काल। पाषाण काल जो आपका है, इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। होमोसिपियंस का उद्भव पूर्ण पाषाण काल में लगभग आपका 36,000 वर्ष ईसा पूर्व प्रथम बार हुआ था। उसका मुख्य हथियार आपका दस्ती कुल्हाड़ी था। क्या था? दस्ती कुल्हाड़ी। उनके हथियार पत्थर के थे और देखने में भद्दे तथा बिना पॉलिश युक्त थे। कृषि नहीं, भोज्य पदार्थ, जंगली कंदमूल, पशुओं के मांस, मछली, अंडा आदि मुख्य व्यवसाय शिकार करना था इनका। बाद में आग जलाना भी सीख लिया इन्होंने। आरंभ में नंगे रहते थे बिना कपड़ों के, लेकिन बाद में शरीर को ढकने के लिए वृक्ष की छाल, पत्तों और पशुओं की खाल का प्रयोग करना उसने सीख लिया। इस काल के मानव भोजन इकट्ठा करने वाले माने जाते थे। फिर आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मुख्य औजार माइक्रोलिथ
नुकीला ब्लेड था। इस काल को मध्यपाषाण युग कहा जाता है। मध्यपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। भोजन इकट्ठा करने वाले लोग मनुष्य ने, अब भोजन उत्पन्न करने वाला मनुष्य बन गया इस काल में। ठीक है, फिर आता है आपका नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करें तो इसमें कृषि कार्य में सहायता के लिए मानव ने पशुओं का पालन आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम आपका कुत्ता और गधा पाले गए। पूछ लेता है कई बार कि सर्वप्रथम मानव ने किस जानवर को पाला था, तो याद रखना कुत्ता को। इसके बाद बकरी, भेड़, गाय, भैंस, घोड़े आदि का नंबर आया। मानव आवास को स्थायी व्यवस्था की गई। इस काल का अत्यंत उल्लेखनीय आविष्कार चक या फिर पहिया का था। इस काल में मानव लाल रंग के बर्तन का उपयोग करता था। ठीक है, आपका चक या पहिया नवपाषाण युग में आया। अतिरिक्त अतिरिक्त खाद्य सामग्री को इस बर्तन में संचित कर भविष्य के लिए रखते थे। फल, कंदमूल, सब्जियां, अनाज, जानवरों का मांस, मछली, दूध, दही, मक्खन, घी आदि नवपाषाण युगीन मानव के खाद्य पदार्थ थे। प्रागैतिहासिक मानव एक परिचय। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमोनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभी नूतन काल के प्रारंभ में प्रकट हुए। सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था और होमिनिड से मिलता जुलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। कहाँ? मध्य अफ्रीका में। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति जिनजान थॉपस। क्या? जिनजान थॉपस औजार बनाती थी। एशिया में आद्री होमोनिड प्राणियों के अवशेष जावा में मिले हैं। अध्ययन के बाद कहा गया है कि हड्डियां एक ऐसे होमिनिड की हैं जो सीधे होकर चल सकता था, इसलिए इसे पिथिकांथोपस रेक्टस यानी कि सीधा खड़ा वानर मानव कहा गया है। अनेक वर्षों के बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पीकिंग के निकट एक गुफा में मिले। पीकिंग मानव जिसे सेन सेन सिनांथोपस नाम से भी जाना जाता है, जावा मानव की अपेक्षा कुछ विकसित चचेरा भाई सिद्ध हुआ है। नियंडरथल मानव मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। नियंडरथल मानव के बाद होमोसेपियंस जाति का क्रोमैग्नन मानव आया। यह मानव भाषा के विकास में सहायक रहा। इसके अतिरिक्त ग्रीओनाल्डी मानव भी हुआ। यह मानव भी होमोसेपियंस जाति का है। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। यहाँ से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, पहली आती है आपकी मिस्र की सभ्यता। मिस्र साम्राज्य की स्थापना लगभग 3000 कितना 3000 ईसा पूर्व में हुई। मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक था मेनिस, याद रखना है इसे। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटसेटपुट थी। विश्व की प्रथम महिला शासक प्राचीन मिस्र की रानी हटसेटपुट थी। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी की देन कहने वाला प्रमुख इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। मिस्र का नेपोलियन कहलाता है आपका थुट मोज तिथिया। मध्यकालीन राज्य का एक पितापी सम्राट था ये। गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध पैरामिड का निर्माता, मिस्र का एक महान फराओ चेओप्स खोफू आपका 2589 ईसा पूर्व से 2566 ईसा पूर्व ने विश्व प्रसिद्ध पैरामिड का निर्माण कराया। अधिकांश पैरामिडों का निर्माण नील नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित नैनफिस नगर में किया गया था। कहाँ? नैनफिस नगर में।
जो आपका प्रसिद्ध ग्रीज ऑफ मेडियम है कि दीवारें सफेद और काले रंग में हैं। प्राचीन मिस्र का प्रधान देवता रॉ सूर्य देवता था, सन गॉड। ठीक, बात कर लेते हैं मिस्र का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है उसे भी देख लेते हैं। पैरामिड्स युग, सामंतशाही युग, नवीन युग। कौन सा? नवीन नवीन युग। मिस्र सभ्यता के समय हुई विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला आपका पैरामिड युग, ये आपका 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। दूसरा आपका सामंतशाही युग, ये आपका 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक। और तीसरा जो नवीन साम्राज्य था, ये आपका 1580 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व तक रहा। बात करें अगर पैरामिड काल की, तो प्रथम शासक किसका था? मेनिस। इसी के समय मिस्र के वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। 2500 ईसा पूर्व तक फराओ की शक्ति का पूर्ण ह्रास हो चुका था। ठीक, अब इसके परिणाम स्वरूप मिस्र के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ, जिसे हम लोग सामंत शाही काल कहा जाता है। पैरामिड युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि पैरामिड का निर्माण था, जिसको फराओ ने अपने मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए किया था। मिस्र के इतिहास में सामंत शाही युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा। कब से? 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात आपका नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो हर दृष्टि से पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। इस काल को आप नवीन साम्राज्य कहा जाता है। सामंतशाही युग में मिस्र के उत्तर से हिक्सास जाति ने आक्रमण करके मिस्र को पराधीन बना लिया। यूटेमस प्रथम, कौन? यूटेमस प्रथम इस काल का महान विजेता था। 1545 ईसा पूर्व से 1524 ईसा पूर्व तक रहा, तथा महारानी हत्सीपुर 1501 से ईसा पूर्व से 1479 ईसा पूर्व तक प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, महारानी को मंदिरों के निर्माण तथा व्यापार में अधिक रुचि थी। उसने कर्नक में एक सुंदर मंदिर का निर्माण भी कराया था। थराती है आपकी दजला फरात घाटी की पूर्व भाग की सभ्यता, जिसे आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। किसकी? मेसोपोटामिया। प्राचीन मेसोपोटामिया नगर दो नदियों, एक आपकी दजला, दूसरा फरात, जिनका स्रोत एशिया माइनर स्थित पर्वत हैं, तथा जो दक्षिण पूर्व एशिया में बहती हुई फरात की खाड़ी में गिरती है की घाटी के बीच स्थित है। इस घाटी के उत्तर में काला सागर और कैस्पियन सागर स्थित है आपका। दक्षिण में फारस की खाड़ी के पार हिंद महासागर है। क्या? हिंद महासागर है। इसके दक्षिण पूर्व में अरब भूखंड है, जो पश्चिम में लाल सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, आधुनिक समय में इस घाटी के एक ओर सीरिया और अरब सागर के मरुद्यान तथा दूसरी ओर या और आपका अर्मीनिया की राजधानी की उच्च भूमि है। इस प्रदेश को बाइबल पूर्वार्ध ओल्ड टेस्टामेंट में गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। बात करेंगे हम लोग सुमेरियन सभ्यता के बारे में। ये आपकी 3500 ईसा पूर्व से 2340 ईसा पूर्व तक रही। सुमेरियन जाति के मानव इस घाटी में नवीन पाषाण युग में जिस समय प्रविष्ट हुए थे, उनको कृषि का ज्ञान हो चुका था। इन लोगों का जीवन धर्म से निर्देशित होता था। प्रत्येक शहर में एक मंदिर और इस मंदिर का एक पुरोहित होता था, जो यह पुरोहित ही शासन व्यवस्था का मुखिया होता था। यहाँ लोग पुरोहित की आज्ञा का पालन करते थे
तथा उसे भगवान के प्रतिनिधि समझते थे। फरातिहा की बेबीलोनियन सभ्यता। इस जाति के शासकों ने बेबीलोन नगर का निर्माण किया, जो आधुनिक समय में कासगर के मैदान के नाम से जाना जाता है। इन्हें बाबल लोग भी कहा जाता है। क्या? बाबल लोग भी कहा जाता है। बेबीलोनियन सभ्यता के शासकों में हम्मुराबी राबी 1810 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व शक्तिशाली और योग्य शासक था। वह संपूर्ण मेसोपोटामिया को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की उसने। फिर आता है आपका असीरियन सभ्यता। कौन सी? असीरियन सभ्यता। बेबीलोन नगर के उत्तर में 200 मील दूर आसुर नगर में असीरियन जाति के मानव उस समय शासन कर रहे थे, जबकि बेबीलोनियन सभ्यता उन्नति की पराकाष्ठा पर थी। असीरियन जाति के व्यक्ति युद्ध प्रिय थे। युद्ध उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत भी था। धर्म का इसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। धर्म का इनके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो असीरियन थे ये बहुदेव पूजक और सूर्य के इनके प्रमुख देवता भी थे। ईस्टर देवी की भी असीरियन समाज में पूजा की जाती थी। फिर आता है आपका हिट्टी सभ्यता। 1300 ईसा पूर्व में हिट्टी सभ्यता। ईसा से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हिट्टी सभ्यता अपनी पराकाष्ठा पर थी। असीरियन वासियों ने भवनों को सजाने, मेहराबदार द्वार बनाने की कला सीखी। हिट्टी जाति के लोग प्रजनन शक्ति के उपासक थे। प्राचीन सभ्यता में प्रमुख योगदान लोहे का प्रयोग था, जिनको कालांतर में सभी सभ्यताओं ने अपनाया। फिर आती है आपकी आर्मीनियन सभ्यता। कौन सी? आर्मीनियन सभ्यता। आर्मीनियम वासी भी सेमेटिक जाति के मानव थे। ईसा से 1000 पूर्व सभ्यता के तीन प्रमुख राज्य थे, हामत, जोवा, दमस्क। आर्मीनियम वासी कुशल व्यापारी भी थे आपके। ये लोग मेसोपोटामिया, फेनिसिया, मिस्र से व्यापार करते थे। लेखन के क्षेत्र में आर्मीनिया वासियों ने टंकाकार लिपि एवं बीजाक्षर कला के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया। आर्माइक लिपि को कई शताब्दियों तक अंतर्राष्ट्रीय लिपि का गौरव प्राप्त रहा। फिर आती है आपकी फारस की सभ्यता। क्या? फारस की सभ्यता। ये आपकी 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक रहती है। फारस की सभ्यता की जाति के जो व्यक्ति यूरोपियन देशों में जाकर बस गए, उनको क्या कहा? यूरोपियन कहा गया, तथा फारस एवं भारत में बसने वालों को इंडो कहा गया। एशिया में प्रवेश करने के उपरांत इस जाति के मानव दो भागों में विभक्त हो गए। इतिहास में इनको मिडीज और पर्सियन के नाम से जाना गया। ये लोग आपके अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु की पूजा करते थे। फिर आगे बात करते हैं फिनिशियन सभ्यता। क्या आती है? फिनिशियन सभ्यता। फिनिशियन तटवर्ती क्षेत्रों के निवासी मुख्यतः व्यापारी थे, तथा व्यापार से लोग जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीवन चलाते थे। इस क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए उतनी उपजाऊ और उपयुक्त नहीं थी जितनी घाटी के अन्य भाग की भूमि थी। अतः इस प्रदेश के निवासी जहाज़ों के माध्यम से दूरस्थ प्रदेशों पर व्यापार करते थे। चीन की सभ्यता। चीन में कृषि का ज्ञान ही सभ्यता का आधार बना। यह सभ्यता हर दृष्टि से एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। सर्वप्रथम चीनी शासक स्वयं को देश की जनता का कल्याणकारक मानते थे। द्वितीय चीनी सभ्यता में शिक्षित व्यक्ति को जितना महत्व मान सम्मान दिया जाता था, उतना अन्य किसी सभ्यता में नहीं
दिया गया है। तृतीय चीनी समाज में मनोरंजन को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। फिर चतुर्थ चीनी सभ्यता में सर्वप्रथम रेशम के वस्त्रों का निर्माण किया गया और विश्व में इसका प्रसार किया गया। पंचम चीनी सभ्यता कला के क्षेत्र में चीनी कलाकार सुंदरता स्वच्छता का जो ध्यान रखते ही थे, साथ ही साथ कला को आनंद का स्रोत एवं मानव भावनाओं को दर्पण मानते थे। प्राचीन सभ्यता के वासी मंगोल जाति के मानव थे तथा इनमें अन्य किसी विदेशी जाति का समावेश इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि तत्कालीन चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। मंगोल जाति के लोग शारीरिक रूप से गोल सिर, मुख, छोटे हाथ पैर वाले होते थे। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य यहाँ रहता था, जिसे पैकिंग मैन कहा गया। चीन की विशाल दीवार वास्तुकला की उन्नति का प्रतीक थी। चीन की विशाल दीवार वास्तुकला की उन्नति का प्रतीक थी। अब बात करते हैं हम लोग आगे। इसका निर्माण महाराजा सी हुआंग टी द्वारा कराया गया था। सी हुआंग टी 247 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। इसने कला के विकास पर काफी बल भी दिया था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों ने ही खोजा था। तो याद रखना, कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया? चीन में ही। चीन के बाद कागज का प्रयोग अरब जगत में आरंभ हुआ। फिर चलते हैं हम लोग जापानी सभ्यता, किस पे? जापानी सभ्यता के बारे में। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक मध्यकालीन और पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। समुराई जापान के सैनिक जागीरदार थे। समुराई ईका बेना फूलों को सजाने की एक जापानी कला है। ईका बेना, याद रखना, फूलों को सजाने की एक जापानी कला है। काबुकी एक जापान की नाट्य शैली है। 1894-95 ईस्वी में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ जिसमें जापान ने चीन को पराजित किया। जापान में चीन, कोरिया, मंचूरिया इत्यादि देशों ने से आए प्रवासियों के बसने से पूर्व एनो जाति के लोग रहा करते थे यहाँ, जिनकी बड़ी गोल आंखें और प्रकृति पूजा इस बात को प्रकट करती हैं कि उनका संबंध काकेशियाई जाति से था। फिर आती है आपकी यूनान की सभ्यता। यूनान बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप का दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागर से मिला हुआ है। कई कबीलों का स्वामी राजा होता था। प्रारंभिक यूनानियों के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाने थे। यूनानी लोगों ने देवताओं की कल्पना मनुष्यों के रूप में की थी। यद्यपि ये देवता मनुष्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अमर समझे जाते थे। उनके निम्नलिखित देवता थे: आकाश का देवता जीयस, समुद्र का देवता पोसीडन, सूर्य देवता अपोलो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। विजय की देवी कौन थी? एथेना। शराब का देवता डेवनीसस। पाताल का देवता हेडीज। पृथ्वी की देवी डेमोटर। वन देवता सटीर। व्यापार का संरक्षक देवता हरमीज। धातु शिल्प का देवता हेपेस्टोस। फिर आती है आपकी क्रेट सभ्यता। इस सभ्यता को पाषाण युग में 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व आरंभिक म्योनन युग यानी कि 3000 ईसा पूर्व मध्य म्योनन युग आपका 2100 ईसा पूर्व और अंतिम म्योनन युग आपका 1500 ईसा पूर्व से 1500 से 1200 ईसा पूर्व के 4 चरणों में विभक्त किया गया। इस प्रकार क्रीट सभ्यता की आधारशिला नवीन पाषाण युग में रखी गई जा चुकी थी, परंतु 1600 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच क्रीट सभ्यता विकास की पराकाष्ठा पर था। इस समय क्रीटवासी दूरस्थ प्रदेशों जैसे मिस्र,
बेबीलोनिया और अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों से व्यापार करते थे। व्यापार के लिए विशालकाय जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार की सुरक्षा के लिए विभिन्न तटों पर चौकियाँ बनाते थे। ये चौकियाँ एक समय में दो कार्य करती थीं। फिर आती है आपकी अफ्रीका की सभ्यता। अफ्रीका की आधुनिक खोज से पूर्व इतिहासकार इसे अंधकारमय द्वीप मानते हैं। क्या कहते हैं? अंधकारमय द्वीप। अगर पूछ ले कि अफ्रीका महाद्वीप को पहले किस नाम से जानते थे, तो अंधकारमय द्वीप से। 19वीं सदी में यूरोपीय यात्रियों ने, पुर्तगालियों ने आकर इसको समझा। हालांकि भारत इसके साथ 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच व्यापार करता था। फिर आता है हमारा अरब सभ्यता। 7वीं शताब्दी में एक नए धर्म इस्लाम ने अरब में जन्म लिया। इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंदी कबीलों के बीच एकता कायम की, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जो अपने समय की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी। अब बात करते हैं अरबों की देन को देख लेते हैं। आखिर अरबों की देन क्या क्या है? शिक्षा। पैगंबर के एक निर्देश के अनुसार प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान की खोज करे। अरबों ने समस्त ज्ञान को अपना लिया, उसे विकसित किया। चिकित्सा। अरबों ने अनेक महान चिकित्सक पैदा किए। अली राजी अल राजी नामक अरब वैज्ञानिक ने चेचक को ठीक निदान किया था। अल राजी को यूरोप में रहे जेस के नाम से भी जाना जाता था। इब्न सीना, जो मध्यकालीन यूरोप में एवी सित्रा के नाम से मशहूर था, ने पता लगाया कि तपेदिक छूत का रोग है। इब्न सीना ने तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम संबंधित अनेक रोग का वर्णन भी किया। अरबों ने प्लेग, आँख के रोगों, छूत की बीमारियों के फैलने आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने और अस्पतालों के संगठन में बड़ी प्रगति की। अंक एवं गणित। गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारतीय अंक प्रणाली सीखी और उसे दूर दूर तक फैलाया। इस कारण अंक अब भी पश्चिमी देशों में अरबी अंक कहलाते हैं। अरबों ने बीजगणित, त्रिकोणमिति, रसायन शास्त्र का भी विकास किया। उमर खयाम ने एक पंचांग बनाया जो ईसाइयों के उस पंचांग से अधिक शुद्ध है, जो आजकल संसार के अनेक देशों में प्रयुक्त किया जाता है। अरब ज्योतिषियों का अनुमान था कि पृथ्वी संभवतः अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। अरब निवासियों ने रसायन शास्त्र में अनेक प्रयोग किए। इसने अनेक नए मिश्रणों का, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोरे तथा गंधक के तेजाबों का पता किया। फिर आपका आगे दर्शन और जीवन। दर्शन शास्त्र में भी अरबों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। यूनान का ज्ञान और बौद्धिक परंपराएं सीरिया फारस के जरिए अरबों को मिली। इब्न सीना को यूरोप में एक दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। अबू अल वलीद मोहम्मद इन रुस्त, जिन्हें यूरोपवासी एवरोंज के नाम से जानते थे, मध्यकालीन इस्लामी साहित्य को मुख्य प्रेरणा ईरान यानी कि फारस से मिली। इस काल की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उमर खयाम की रुबाइयान, फिरदोसी की शाहनामा और 1001 कहानियां का संग्रह अली फलेला, जिसकी कहानियों से तत्कालीन संस्कृति और समाज के विषय में काफ़ी हमें जानकारी मिलती है। अरबी कला पर बाईजेंटाइन और ईरान की कला का प्रभाव पड़ा, किंतु अरब निवासियों ने अलंकरण के मौलिक नमूने निकाल दिए। उनके भवनों पर बल्बों जैसे गुम्बद, छोटी मीनारें, घोड़े की खुरों के आकार के मेहराब, मरोड़दार स्तंभ होते थे। अरब वास्तुकला की विशेषताएं
तत्कालीन मस्जिदों, पुस्तकालयों, महलों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में देखी जा सकती है। अरबों ने लिखने की एक अलंकृत शैली का भी आविष्कार किया, जिसे आप लोग खुशखती कहते हैं। इससे उन्होंने पुस्तक सजाने के कार्य को भी कला के रूप में विकसित किया। फिर आती है आपकी अमेरिकी सभ्यता। कौन सी? अमेरिकी सभ्यता। अमेरिका में मानव निश्चित रूप से 1000 सॉरी 10,000 ईसा पूर्व तक संभवतः साइबेरिया से आ चुका था। उनमें से कुछ मध्य और दक्षिण अमेरिका में 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी फल फूल रही थी। इनमें अधिक प्रसिद्ध मध्य अमेरिका की माया और एजटेक सभ्यताएं थीं, तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज में इंका सभ्यता थी। इंका। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राचीन विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। मानव विकास की प्रमुख तिथियां। पृथ्वी की रचना ईसा पूर्व 40 खरब वर्ष। जीवन का प्रादुर्भाव ईसा पूर्व 10 खरब वर्ष। सरीसृप का प्रारंभ ईसा पूर्व 12.5 करोड़ वर्ष। स्तनधारी जीवों का प्रादुर्भाव आपका ईसा पूर्व 6 करोड़ वर्ष। हिमनदी युग का प्रारंभ ईसा पूर्व 10 लाख वर्ष। फिर आता है आपका पूर्व पाषाण काल। प्रथम हिमनदी युग जावा मानव ईसा पूर्व 5 लाख वर्ष। द्वितीय हिमनदी युग पीकिंग मानव आपका 1,20,000 वर्ष पूर्व। तृतीय हिमनदी जो नियंडरथल मानव ईसा पूर्व 50,000 वर्ष पूर्व। चतुर्थ हिमनदी युग क्रोमैग्नन मानव ईसा पूर्व आपका 25,000 वर्ष। उत्तर हिमनदी उत्तर पाषाण काल ईसा पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व। नवपाषाण युग ईसा पूर्व 5,000 वर्ष। कांस्य युग कीट मेसोपोटामिया ईसा पूर्व 3,500 वर्ष। फिर तो आपकी मिस्र की सभ्यताओं की बात करें ईसा पूर्व 3,000 मिस्र के दोनों भागों का एकीकरण। ईसा पूर्व 2600 खोपू खेपरी। ईसा पूर्व 2100 से 1788 अमेहोतप प्रथम अमेहोतप द्वितीय। ईसा पूर्व 1680 से 1580 हेस्कोस का अधिपत। ईसा पूर्व 1580 से 1090 अहमोस प्रथम थुटमोस द्वितीय। फिर आता है आपका मेसोपोटामिया की प्रमुख तिथियां। ईसा पूर्व 2850 से 2450 सुमेरी नगर राज्यों का उद्भव। ईसा पूर्व 2450 से 2270 अक्कदी साम्राज्य सार्गोन। ईसा पूर्व 1800 से 1600 बेबीलोन साम्राज्य हम्मुराबी। ईसा पूर्व 1600 से 1600 से आपका 1200 हिट्टाइट साम्राज्य। ईसा पूर्व 900 से 612 असीरी साम्राज्य और असुर बनीपाल। ईसा पूर्व 612 से 550 चांडियन साम्राज्य नेबूसीनियार। ईसा पूर्व 550 से 331 फारसी साम्राज्य साइरस डेरियस प्रथम जेरेक्सेस। चीनी इतिहास की कुछ तिथियों की बात करें तो 1050 ईसा पूर्व से 250 सॉरी 256 ईसा पूर्व चीन वंश कन्फ्यूशियस लाओ त्से। ईसा पूर्व 221 से 206 ईसा पूर्व चिन इन वंश चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कराए। ईसा पूर्व से 206 से 220 ईस्वी तक हान वंश शासकीय सेवा का आरंभ। 618 ईस्वी से 618 ईस्वी से 907 चीनी साम्राज्य का विस्तार बारूद काष्ठ ब्लॉक मुद्रण। 960 ईस्वी से 1279 सोंग वंश उन्नत व्यापार चित्रकारी
हस्तकलाएं 1217 से ईस्वी से 1368 मंगोलों का अधिपत्य 1368 से 1644 मिंग वंश सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन 1644 से 1912 चिंग वंश मांचू वंश का अधिपत्य चीन में प्रभाव मंडल बॉक्सर विद्रोह 1912 से 1949 चीनी गणराज्य सन यात्सेन चियांगकाई से 1949 में समकालीन चीन मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का नियंत्रण माओ त्से तुंग फार्मोसा की राष्ट्रवादी सरकार। बात करते हैं यूनानी इतिहास की प्रमुख तिथियों के बारे में। 2400 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व कीट क्रीट की सभ्यता मीनोस ईसा पूर्व 1450 से ईसा पूर्व 1100 एजियन अधिपत ट्रोजन युद्ध ईसा पूर्व 1100 से 900 ईसा पूर्व डोरियन आक्रमण 900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यूनानी उपनिवेशीकरण ईसा पूर्व 650 एंथेक्स का अभ्युदय डेक्रो सोलोन पीसी स्टेटस क्लिस्थनीज इसी ईसा पूर्व 490 से 479 ईसा पूर्व फारस का युद्ध मारिस्थान धर्मोपोली सालमी 460 से 429 ईसा पूर्व एंथेंस का युग स्वर्णिम पेरिक्लीज 432 से 402 पेलोपोनेशियाई युद्ध 346 से 324 323 ईसा पूर्व मकदूनिया का अधिपत फिलिप सिकंदर। याद रखिए यहाँ आपका ईसा पूर्व आ रहा है बार बार शब्द बीसी बोलते हैं इसे, तो इसके बारे में आपको बता दें बीसी और एक एडी होता है ईसवी, ठीक है। तो जैसे ले लीजिए एक समय टाइम ले लीजिए, ये लाइन है, यहाँ आपका जीरो ले लीजिए, ठीक है। अभी इस तरफ आप लोग बढ़ेंगे तो बीसी कहलाएगा, और इस तरफ जैसे ही जाएंगे तो आप एसी एडी की तरफ जाएंगे, यानी कि ईसा पूर्व हो गया ये और ये आपका ईसवी हो गया, यानी कि ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, और एडी ईसवी का मतलब ईसा के जन्म के बाद, ठीक है, याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर आती है आपकी रोमन साम्राज्य की प्रमुख तिथियाँ 31 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक साम्राज्य काल अगस्टस नीरो इरोजन हेडियन मार्कस ऑरिलियस 152 से 284 ईस्वी डायोक्लेटियन कॉन्स्टेंटाइन आदि तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी बर्बर जातियों का आक्रमण विस्ग्रोथ एलेरिक ह्यूड अट्टिला बंडाल 476 ईस्वी रोम का पतन ओडोसर थियोडोरिक आदि 395 से 1453 ईस्वी पूर्व में साम्राज्य जस्टिन। अब बात करते हैं हम लोग धर्म युद्ध के बारे में, किसके धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध 1095 ईस्वी में आरंभ होकर लगभग 2 शताब्दियों तक संपूर्ण यूरोप में चला आपका धर्म युद्ध। इस युद्ध का नारा था ईश्वर यह चाहता है, ईश्वर यह चाहता है। यह धर्म युद्ध सशस्त्र तीर्थ यात्राएं थीं जो पवित्र भूमि यरूशलम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए की जाती थी। धर्म युद्ध का कारण था ईसाई पोप उर्बान ने अपने प्रवचन में ईसाइयों को मुसलमानों से लड़ने को कहा। उनके शब्दों में यरूशलम का एक एक स्थान ईसा द्वारा उच्चारित शब्दों से और उसके किए चमत्कारिक कार्यों से प्रभावित हो रहा है। मुसलमान पहले ईसाई धर्म के प्रति सहिष्णु थे किंतु बाद में असहिष्णु हो गए। सलजुक तुर्क मुसलमान बन गए थे तथा उन्हें तुर्की से निकाल दिया गया था। अधिकांश ईसाइयों को विश्वास था कि इस लोक में कष्ट सहने से उन्हें परलोक में लाभ होगा। पूर्व की अत्यधिक समृद्धि की कहानियों ने पश्चिम के बहुत से किसानों को इस युद्ध में भाग लेने को प्रेरित किया। याद रखिए जब अभी हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं
तब भी हम अभी भी अंधक भक्ति में डूबे रहते हैं, तो उस समय की तो आप स्थिति समझ सकते हो। अभी भी कोई बोलता है कि गाय के मूत्र से कोरोना वायरस भाग जाता है, कोई कई बाबा बाबाओं पर भरोसा करते हैं, अभी भी लोग कितना भरोसा करते हैं, इतने बाबा फर्जी पकड़े गए फिर भी लोग पूछते रहते हैं, तो चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये बंद नहीं होने वाला है, इनका अपना एक बिजनेस है, उसे अच्छे से चलाते रहते हैं। अब बात करते हैं धर्म युद्ध के परिणाम। धर्म युद्ध ईसाइयों की पवित्र भूमि यरूशलम पर अधिकार कर पाने में असफल रहा है, लेकिन इससे नए यूरोप का निर्माण अवश्य हुआ है। ईसाई लोग युद्ध में असफल अवश्य हुए, किंतु उन्हें अरबों के सहयोग से एक नई सभ्यता को समझने का मौका अवश्य मिला है। चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, भूगोल और कला में मुसलमानों और बाइजेंटियन की उपलब्धियों में यूरोप को प्रेरणा दी है। अब यूरोपीय नागरिक दिक्सूचक का प्रयोग करने लगे। आधिकारिक यूरोपीय महिलाएं मखमल, रेशम, छींट, दमस्क के चौंगे पहनने लगे। व्यापारियों को इस बहाने पूर्व से व्यापार बढ़ाने का अवसर भी मिला है। इटली के नगरों के व्यापारी पवित्र भूमि में लड़े जाने वाले युद्ध के लिए जहाज़ों का निर्माण करके उन्हें आवश्यक सामग्रियां बेच बेच कर मालामाल हो गए। लंदन, पेरिस, कोलोन, हैम्बर्ग मुख्यतः व्यापार बढ़ जाने के कारण बड़े नगर बन गए। सामंत तंत्र को दुर्लभ करके राजा की शक्ति को बढ़ा दिया। बात करते हैं सामंतवादी। क्या सामंतवाद? सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। क्या फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को खेती के लिए देता था। इस साम्राज्य में खेती शक्ति का एकमात्र स्रोत थी। कुल मिलाकर यह भू स्वामित्व एवं व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित एक सामाजिक पद्धति होती थी, जिसमें परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता था। फिर आपका सामंतवाद के दो मौलिक विचार थे, कौन कौन से? प्रत्येक व्यक्ति का कोई स्वामी होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके तथा जिसकी वह बदले में सेवा कर सके। दूसरा था सभी राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों का आधारभूत नियंत्रण था। वस्तुतः भूमि का अधिकार या भू नियंत्रण ही संबंध का एकमात्र आधार था। संकट के समय इसी से पारस्परिक सेवाएं, सेवा एवं सुरक्षा का भी काम होता था। अब बात करते हैं हम लोग पवित्र रोम साम्राज्य के बारे में। प्राचीन रोम के निवासी एटेस्कन जाति वंश के थे। रोम वासियों की भाषा लेटिन थी। रोम के प्राचीन निवासियों के वंशज पेटिसियन कहलाते थे। रोम में गणतंत्र की स्थापना के बाद सीनेट ही अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बना रहा। नवीन साम्राज्य प्राचीन से सर्वथा भिन्न था। चर्च और ईसाई मत की शक्ति की रक्षा और विस्तार के लिए यह केवल सिद्धांत तक ही सीमित था, इसलिए इसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहते थे। मध्ययुगीन पश्चिमी साम्राज्य ना तो प्राचीन रोमन साम्राज्य जैसा था, न ही उसका वह पुराना सिलसिला था। वह एक नया साम्राज्य था जिसका केवल नाम ही उस प्रकार का था। पोप लियो द्वितीय ने 800 ईसा पूर्व में चार्ली मैग्ने सार्लमा का रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। बाद में जॉन 12वें ने जर्मन ऑटो महान का पवित्र रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया। तो ये था आपका विश्व का इतिहास में आपका विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, उनसे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य थे उन्हें देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे पुनर्जागरण के बारे में, ठीक है? अगला टॉपिक होगा हमारा पुनर्जागरण।